राम राम भाई सारा ने। तो भाई आज की वीडियो में बात करेंगे नोक बी जॉब के बारे में। मैं फिलहाल मैं नोक बी जॉब काम कर रहा हूँ बेल में एज ए टेक्नीशियन। तो मैं पूरी पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे सिलेक्शन हुआ था मेरा, पढ़ाई के कितने दिन बाद मेरे को जॉब मिल गई और कितने दिन अब मेरे को काम करना पड़ेगा पीआर के लिए इसमें। तो सबसे पहली बात भाई, मैं जो जॉब स्टार्ट करी थी जून 24th के आसपास मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी। ट्रेनिंग होती है इसमें मेरी 15 दिन की ट्रेनिंग थी। तो सारा का सारा प्रोसेस मैं बताता हूँ स्टार्टिंग से। तो मेरी पढ़ाई जैसे कि जनवरी में कंप्लीट हुई थी, तो जनवरी में कंप्लीट होने के बाद उसके बाद मेरा 2 या 3 महीने मैंने काम कहीं इधर उधर करा था। उसके बाद मैंने बेल में टेक्नीशियन एज ए टेक्नीशियन अप्लाई किया था। अराउंड मार्च के आसपास मैंने अप्लाई कर दिया था। तो मार्च के बाद मेरे इंटरव्यू प्रोसेस हुई, थोड़ी टाइम लगा उन सारी चीज़ों में। मैंने अप्लाई ऑनलाइन ही करा था इंडीड के थ्रू। तो अप्लाई करने के बाद उनका रिप्लाई आया, मेरे इंटरव्यू हुए, 2-3 इंटरव्यू हुए। उसके बाद फिर उन्होंने भाई मेरे को डेट दी 15-20 दिन बाद की कि भाई इससे इस दिन भाई आपकी ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग चली मेरी 15 दिन के आसपास और उसके बाद भाई मेरे को जॉब मिल गई। फिर उसके बाद फील्ड में काम कर रहा हूँ एज ए टेक्नीशियन। तो जो टेक्नीशियन की जॉब है ये नोक कोड तो मेरे को उसको प्रॉपरली नहीं पता, बट ये नोक बी में आती है और कनाडा में पीआर के लिए जैसे कि पता ही हो सभी को कि नोक बी जॉब होनी चाहिए आपके पास और आपका साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उस साल के एक्सपीरियंस के बाद आप अपनी फाइल पीआर के लिए डाल सकते हो कि भाई मैंने, क्योंकि ये जो जितने भी स्किल्ड जॉब होते हैं नोक बी ए ओ बी ये सारी की सारी आती है स्किल्ड में, और जो कैनेडियन गवर्नमेंट और ये कैनेडा को स्किल्ड बंदे चाहिए इस करके वो कहते हैं कि भाई 1 साल आप एक्सपीरियंस इस फील्ड में लो और उसके बाद आपको हम पीआर फाइल करो और उसके बाद हम आपको लोगों को पीआर दे देंगे। तो ये सारा प्रोसीजर होता है। तो नोक बी जॉब मिल गई है बेल में और अपना एक्सपीरियंस कर रहे हैं। लगभग 3 महीने के आसपास मेरा एक्सपीरियंस पूरा भी हो चुका है और प्रोसेस बढ़िया है। अगर किसी ना भाई किसी चीज़ से रिलेटेड इसी टाइम में कोई जानकारी चाहिए भाई जॉब नोक्स के बारे में कि भाई इसी नोक में हम काम करते हैं तो हमें पीआर मिलती है कि भाई और जैसे नोक कोड में अगर काम करते हैं हमें पीआर मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालियो। मैंने समझा कि भैया जॉब के बारे में थोड़ा बताना चाहिए इसलिए मैंने यह वीडियो बना दी। तो ये थी पूरी पूरी जानकारी। अगली वीडियो में भाई अपने लाइसेंस के बारे में बताऊंगा। रिसेंटली मेरा ट्रक का लाइसेंस भी क्लियर हो गया। तो कैसे कैसे कि भाई ट्रक का लाइसेंस कैसे बनवाते हैं, इंडिया वाले लाइसेंस जैसे अगर किसी के पास हैवी है तो वो चल जाता है नहीं चल जाता है, और मेरे आगे के प्लान्स क्या है भाई पीआर के बाद भाई जैसे भी कुछ होगा तो वह भी डिस्कस करेंगे। तो इतने के लिए इतना ही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।